ये वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आंचल, आज हम वैसे तो मिडिल अमेरिका ही कर रहे हैं, है कि नहीं कंवल जी? मिडिल अमेरिका के अंदर कौन कौन से रीजन आते हैं कंवल जी? हाँ 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 वेरी गुड। तो हमने अब तक जो समझा था उसमें ये पढ़ा था कि मिडिल अमेरिका के अंदर मैक्सिको एक अलग से आता है, सेंट्रल अमेरिकन रिपब्लिक्स अलग से आते हैं और कैरेबियन आइलैंड्स अलग से आते हैं। और कैरेबियन आइलैंड के अंदर हमने ये समझा था कि दो ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं, उनमें से जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसमें लार्ज आइलैंड्स कवर होते हैं, जो कि मेजॉरली फोर हैं, उसे हम ग्रेटर एंटिलेस कहते हैं, और जिसमें स्मॉल आइलैंड ग्रुप्स हैं वो दैट इज़ द लेसर एंटिलेस। और जो लार्ज फोर हमने पढ़े थे, द फोर बिग, वो थे पहला क्यूबा, वेरी गुड, सेकंड जमाइका, हिस्पैनियोला दैट इज हेटी और डोमिनिकन रिपब्लिक, द फोर्थ वन पोर्टो रिको, गुड गर्ल। तो इसमें चार थे, क्यूबा क्यूबा। अब मैं चाहता हूँ एक बार आज आपको बहुत साफ इमेज दिखाऊँ। बुक में जब आप आगे जाते हैं तो आपको एक बहुत ही स्पष्ट इमेज देखने को मिलती है, बड़ी खूबसूरती से वो आपको क्लियर करके देगा कि ये है क्या। देखिए, मैं आपको वो इमेज दिखाता हूँ। वेरी ब्यूटीफुल एंड क्लियर इमेज आ जानी चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ, दिस इज़ द इमेज, लुक एट दिस, लुक वेरी क्लियर। ओके, सो इस इमेज के बाद आपको सब क्लियर होगा। तो यहाँ पर देखिए, उन्होंने लिखा भी हुआ है इस चीज़ को कि दिस द ग्रेटर एंटिलेस एंड द लेसर एंटिलेस। तो ये देखिए, ड्रॉ किया हुआ है कि क्यूबा, जमाइका, दिस कंप्लीट आइलैंड इज हिस्पैनियोला, और इसको वैसे हम दो कंट्रीज में देखते हैं, हेटी एंड डोमिनिकन रिपब्लिक, और दिस इज द पोर्टो रिको। तो ये मिलके बना द ग्रेटर एंटिलेस। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये छोटे छोटे आइलैंड सभी, जैसे कि ये बहामास के और यहाँ पर ये सारे, तो दिस वन दिस द लेसर एंटिलेस। तो हमने समझा कि दो तरह से आइलैंड्स को इन्होंने माना हुआ है यहाँ पर। ओके, हमने इसके विषय में अब तक जो पढ़ा उसमें दो मुख्य चीज़ें समझी थी, और वो ये थी कि यूरोपियंस का यहाँ पर आना और उनकी लैंड प्रैक्टिसेस ने यहाँ पर दो बड़े बदलाव किए। पहला बदलाव, यहाँ पर एथनिक चेंजेस इंड्यूस कर दिए, और दूसरा बदलाव, यहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में परिवर्तन आ गया। और वो हमने इस तरह से समझा था कि जो रिम लैंड एरिया था, रिम लैंड एरिया जिसमें कि मोस्टली आइलैंड्स आते थे कैरेबियन के और सेंट्रल अमेरिकन रिपब्लिक्स के कोस्टल एरियाज आते थे, ये रिम लैंड एरिया जो है, यहाँ पर एथनिसिटी कुछ ऐसे चेंज हुई कि जहाँ यूरोपियंस के आने से पहले यहाँ पर अमेर इंडियंस थे, यानी कि अमेरिकन इंडियंस थे, वहीं समय बदलने के साथ अमेर इंडियंस माइनॉरिटी में चले गए, यूरोपियंस एज अ मास्टर क्लास आ गए, और अफ्रीकन स्लेव्स एज अ मेजॉरिटी ग्रुप हो गए। देखिए कैसा बदलाव आया, अमेरिकन इंडियंस जो कि ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, द इंडिजिनियस ग्रुप, वो माइनॉरिटी में चले गए, जो यूरोपियंस हैं वो मास्टर हो गए, और जो अफ्रीकन स्लेव यहाँ लाए गए काम करने के लिए, वो मेजॉरिटी ग्रुप हो गया। तो ये एक एथनिक चेंज आ गया, द डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। ओके, अब नाउ देर आर अनदर, देर आर मैनी एथनिक ग्रुप्स लाइक द अफ्रीकन्स, द अमेर इंडियंस, यूरोपियंस, और फिर यूरोपियन की जहाँ जहाँ कॉलोनीज थी वहाँ से भी उन्होंने वर्कर बुलाए, इसी बहाने एशियंस भी यहाँ पहुँचे, जैसे कि इंडियंस भी पहुँचे, तो एशियंस। तो अमेरिकन की इस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जिसके तहत वो सिंगल कैश क्रॉप प्लांटेशन एग्रीकल्चर को यहाँ प्रमोट कर रहे थे, जो कि इंटेंसिव लेबर पर बेस्ड है, और उस लेबर के लिए जो इन लोगों को यहाँ बुलाया गया, उसने यहाँ का एथनिक मोज़ेक चेंज कर दिया। और जो बदलाव आया वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ये आया कि जहाँ पहले फूड ग्रेन्स उग रहे थे, जो सबसिस्टेंस लेवल पर खेती थी अपना गुजारे लायक, वो चेंज होकर के कैश क्रॉप्स में बदली, और वो एक्सपोर्ट रिलेटेड प्रॉफिट मेकिंग हो गई। वो ना गुजारे लायक सब्सिस्टेंस रही, अब वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रॉफिट मेकिंग हो गई,
और ना ही अब वो फूड ग्रेन्स रही, वो कैश क्रॉप्स में बदल गई, जिसमें मेजॉरली सिंगल क्रॉप्स को तरजीह दी जाती थी, चाहे शुगर केन होता था, चाहे टबैको होता था, चाहे कॉटन होता था, चाहे बनाना होता था, इन खेतियों को ज़्यादा तरजीह दी जाती थी और मेजॉरली क्रॉप्स वो उगाई जाती थी जो यहाँ की ना होकर के बाहर से लाई जाती थी। इसने भी एक वहाँ पर परिवर्तन पैदा कर दिया। ओके, तो एग्रीकल्चरली ये एक बड़ा चेंज आया। समय बीत जाने के बाद जब एग्रीकल्चरल लैंड रिफॉर्म्स हुए, तो यही प्लांटेशन लैंड जो है या तो बड़े प्राइवेट प्लॉट्स में बांट दिया गया, तो प्राइवेट प्लेयर्स ने उन्हें अपने लेवल पे ले लिया, और या फिर इन्हें बिग कॉरपोरेशंस को दे दिया गया, या कॉरपोरेशंस ने ले लिया या बड़े प्लॉट में बांट दिया। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा था मेन लैंड सिस्टम, जिसमें पूरा मेजॉरली मैक्सिको आता है और सेंट्रल अमेरिकन रिपब्लिक्स के जो मेन लैंड एरिया, यानी कि लैंड एक्सेप्ट टू द कोस्टल एरिया, तो उसमें हमने देखा था कि चीज़ें यूरोपियंस ने ये बदल दी कि वहाँ पर आने के बाद उन्होंने इंडिजिनियस अमेर इंडियंस को ही एज अ लेबर यूज़ किया और उनके साथ रिश्ते बनाए, और उन रिश्तों के कारण वहाँ पर आज बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स मिलते हैं जिन्हें हम मेस्टिजोस कहते हैं, द मेस्टिजोस या मेस्टिजो। ये मेस्टिजो कौन होते हैं? ये स्पेनिश भाषा में मिक्स्ड होते हैं। मेस्टिजो का अर्थ मिक्स्ड, तो मिक्स्ड यानी कि स्पैनिश अर्थार्थ यूरोपियंस और इंडिजिनियस ग्रुप्स अर्थार्थ अमेरिकन इंडियंस के बीच में परस्पर संबंधों से उत्पन्न हुई संतानें, जैसे कि जो फादर होगा वो यूरोपियन होगा यानी कि स्पैनिश, और जो मदर हो सकती है वो होगी वहाँ की जो अमेर इंडियन, और फिर आगे जो उनकी संतानें बन रही हैं ये मिक्स्ड रेस हो गई, तो ये हो गई द मेस्टिजोज। तो मुलत्तोज, मेस्टिजोज, आप जब मैक्सिको जाएंगे और जब सेंट्रल अमेरिकन रिपब्लिक्स में जाएंगे, आपको ये मेस्टिजोज और मुलत्तोज अमूमन ही मिलेंगे। ओके, क्लियर है कहानी? इनको और भी नामों से जाना जाता है, जैसे हिस्पैनियोज या चिकेनोज, इन नामों से जाना जाएगा, दे ऑल आर द मेस्टिजोज। तो लो, इंडिजिनियस ग्रुप के साथ रिश्ते बनाए, क्योंकि इंडिजिनियस ग्रुप्स उन लैंड पे काम करते थे जिन लैंड के मालिक पहले वो खुद होते थे, लेकिन यूरोपियंस के आने के बाद उनका मालिकाना हक चला गया और अब मालिक यूरोपियन होने लगे। वही फार्म लैंड है, उस पर वही लोग खेती भी कर रहे हैं, बस बात इतनी सी है, पहले वो अपने खेतों के मालिक थे, अब वो अपने खेतों के मालिक नहीं हैं, अब वो किसी को सर्व करने लगे हैं। उसके बदले में मालिक चाहे तो कुछ पगार दे दे, यानी कि सैलरी, चाहे तो ना भी दे, एक तरह से वो उन्हें अपना सर्वेंट बना लेगा। उनका जीवन कुछ इस तरह से बदल गया। और बाद में जब कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुए, जब सरकारों ने फिर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स किए मॉडर्न टाइम में आते आते, तो परिवर्तन फिर ये आया कि वो जो बड़े बड़े हैसियंडा सिस्टम थे, द थाउजेंड्स एंड द लैक्स एंड द मिलियंस ऑफ एकर्स ऑफ द लैंड, वो हेसियंडास को कम्युनिटीज़ को दे दिया गया, तो कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ लैंड सिस्टम वहाँ पर पैदा हो गया। धीरे 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 कम्युनिटीज़ लेवल पर भी कन्फ्लिक्ट रहने लगे, तो फिर कोशिश की गई कि उसको प्राइवेट ओनरशिप के तहत लोगों को बांटा जाए। ये प्लांटेशन और हेसियंडा का फ़र्क था, ये रिम लैंड और मेन लैंड का अंतर था। इस तरह से एग्रीकल्चर और एथनिक मोज़ेक बदला था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, उम्मीद है आपको ये कोरिलेट हुआ होगा, आपको ये समझ आया होगा। ये वर्ड्स, ये टॉपिक्स, ये चीज़ें हमें एक ऐसी नायाब मेंटल मैच्योरिटी से बख्श देती हैं जो चाबी है सिविल सर्विसेज के कॉन्सेप्ट्स को, क्वेश्चंस को समझने की। ठीक ऐसी ही प्रक्रियाएं भारत में भी हुई, चाहे वो यहाँ पर कैश क्रॉप लगाने को लेके हों, चाहे इस्टेट फार्मिंग से जुड़ी हों, चाहे फिर वो यहाँ पर किसी भी एक ऐसी फसल को लगाने को लेकर के हो जो ब्रिटिश उद्योग को सर्व करती थी। कहने का मतलब ये है कि जब आप चीज़ों को इस मैनर में पढ़ते हैं, तब आपको भारत कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में बेहतर समझ आता है, तब आपको समझ आता है कि पूरे विश्व पर कॉलोनियलिज्म का प्रभाव क्या हुआ, तब आपको समझ आता है कि अमूमन हर जगह पे इंडिजीनियस ग्रुप्स के साथ क्या होता है, तब आप समझ पाते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। चाहे वो मेनलैंड का हेसियंडा सिस्टम हो और चाहे ही वो भारत आने के बाद अंग्रेजों का ज़मींदारी सिस्टम हो, अगर कोई प्रताड़ित हुआ है तो वो इंडिजीनियस ग्रुप, चाहे फिर वो संथालों के विद्रोह रहे हों, चाहे फिर वो मुंडाओं के विद्रोह रहे हों, ओराओं के विद्रोह रहे हों, भारत में मूल कारण ढूंढिएगा तो आपको यही मिलेगा, उनके समाज को तोड़ दिया गया, उनके अधिकारों को नष्ट कर दिया गया,
उनकी ज़मीनों को ले लेने का मतलब उनका कल्चर ख़त्म कर देना है। धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट होते रहे और अंततः जब उन पर अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने का दबाव बना तो आपको फिर बहुत ही फियर्स, बहुत ही वायलेंट अपोजिशन दिखी, जिसे आप अलग अलग रिवॉल्ट्स का नाम दे करके पढ़ते हैं। पूरे विश्व भर में, चाहे वो ब्रिटिश हों, स्पेनिश हों, पोर्तुगीज़ हों, डच हों, डेन हों, कॉलोनियलिज्म ने कुछ प्रभाव ऐसा ही छोड़ा है। एक विश्व अगर मैं आज बनाता हूँ, दुनिया के एक कल्चर को अगर मैं यूनिफाइड सेंस में पढ़ाना चाहूँगा, तो मैं एक कल्चर ऐसा भी बनाऊँगा, द कॉलोनियल डोमिनेंट कल्चर। उसमें फिर ये सब शायद एक जगह खड़े दिखेंगे, चाहे अफ्रीकन हों, इंडिजीनियस, चाहे इंडियन हों, चाहे फिर एशिया के बाकी मुल्क हों, और चाहे अमेरिकन, यूरोपियन, कोई भी थे। इंडिजीनियस की परिस्थितियाँ इसी तरह से बिगड़ती चली गई। आई बात समझ में? आपको इसके लिए बहुत खूबसूरत चैप्टर्स भी गिवन हैं 9th, 10th और 11th क्लास की एनसीईआरटीओं में, जिसमें वो पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज़ पे क्या प्रभाव पड़ा वो पढ़ाते हैं, फार्मर्स पे क्या पढ़ा ये पढ़ाते हैं। वो इसलिए उन्होंने टॉपिक सिर्फ पेस्टोरलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म उठाया, ताकि आप पूरे एक क्षेत्र के, एक भारत के पेस्टोरलिस्ट को ना पढ़े, भारत के चरवाहे का जीवन ही नहीं बदला, पूरे वर्ल्ड को अंडर कंसिडरेशन लें और समझें कि कॉलोनियलिज्म का व्यापक प्रभाव कैसा था, एक कॉम्प्रिहेंसिव इम्पैक्ट क्या था। सो डू ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब मैं ये कहता हूँ कि एक सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को उन्होंने सरप्लस यानी कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रॉफिट में बदला, ये रिलेशंस जानना, इन टर्म्स को कैसे रिलेट करना है, कैसे कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है, ये मेजॉरिटी ऑफ माइंड ही तो है सिविल सर्विसेज की तैयारी, और क्या ही है, कुछ भी नहीं। इन चीज़ों को इस तरह से लर्न किया करें। जगह कोई भी हो, स्थान कोई भी हो सकता है, पर बड़ी बात यह है कि फिनोमेना जो घटित हुआ, आप उसे वहाँ पढ़ के यहाँ को रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं, ये बड़ी चीज़ है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में, दैट इज़ यूरोपियन इन्वेजन। अब यूरोपियंस यहाँ पर एंटर करेंगे, आप इसे यूरोपियन कॉलोनियलिज्म से पढ़ें, या कॉलोनियल इन्वेजन के नाम पर पढ़ें, या यूरोपियन इन्वेजन के नाम पर पढ़ें, आप अलग अलग नामों से इसे पढ़ सकते हैं, यूरोपियन इन्वेजन। यूरोपियन इन्वेजन, कॉलोनियलिज्म, अब किसी भी तरह से पढ़ें, अब आपको प्रभाव समझने हैं कि क्या पढ़ेंगे। ओके, देखिए, जब यूरोपियन पूरे विश्व भर में जा रहे थे, पूरे वर्ल्ड लेवल पर, तो वो अपने साथ बहुत सी चीज़ें लेकर के जा रहे थे। सबसे पहली चीज़, जब वो कहीं फैल रहे हैं तो वो अपनी लैंग्वेजेस को वहाँ स्प्रेड कर रहे हैं। जो लैंग्वेज ग्रुप ऑलरेडी रह रहे हैं वहाँ पर, वो आपको एक्सटिंक्ट होते नज़र आएंगे, और जो लैंग्वेजेस यूरोप की हैं वो वहाँ पर आपको एक्सपेंड होती नज़र आएंगी। वो अपने साथ अपने रिलीजन को लेके जा रहे हैं, ये बड़ी चीज़ है। विश्व भर में जहाँ यूरोपियन जाएंगे, यूरोपियन में कोई भी हो, चाहे पुर्तगाली हो या स्पेनिश हो या अंग्रेज हो, बर्तानिया या डच हो, डेन हो, बीट एनीबडी, पर फैलेगा तो क्रिश्चियनिटी ही, क्योंकि यूरोपियन कॉन्टिनेंट का मुख्यतः धर्म तो क्रिश्चियनिटी ही है। हाँ, क्रिश्चियनिटी की कोई भी ब्रांच फैल जाए वो अलग बात है, पर फैलेगा तो क्रिश्चियनिटी ही। तो अपने साथ अपने रिलीजन लेकर के जा रहे हैं, वो अपने साथ अपनी बिल्डिंग टेक्निक्स लेकर के जा रहे हैं। यूरोप में चल रहा कंपटीशन, रेनेसेंस के दौर का वो कंपटीशन, रेनेसेंस के दौर की उस कंपटीशन से उपजी वॉरफेयर प्रैक्टिसेस, और रेनेसेंस के दौर की ही डेवलप हुई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, ये सब भी यूरोपियंस अपने साथ लेकर के हर उस जगह पर जा रहे थे जहाँ पर वो कॉलोनाइज कर रहे थे। इन सब चीज़ों को अपने साथ जुड़ी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, इसके तहत वो सभी तरह की फसलें, वो सभी तरह के इनपुट्स वो लेकर के जा रहे थे। ये सब चीज़ें उस रीजन को बदल देंगी जहाँ पर यूरोपियंस जाएंगे। यही बदलाव हमें आज एक केस स्टडी के रूप में मिडल अमेरिका में देखना है।
सबसे पहली एक चीज़ ये है कि हम इसे लैटिन अमेरिका शब्द से जोड़ करके देखते हैं। द वर्ड इज़ द लैटिन अमेरिका। अक्सर बच्चे जब मेरे पास आते हैं तो कहते हैं कि सर इतना कंटेंट हम याद कैसे रखें। मैं अक्सर उन्हें समझाता हूँ कि बात याद करने की नहीं, बात अभ्यास करने की है। बात यह है कि सबसे पहला सवाल ये पूछा जाए कि मैं इसे पढ़ क्यों रहा हूँ, इसका उद्देश्य क्या है मेरे जीवन में। अगर आप किसी स्टडी का ऑब्जेक्टिव अपनी लाइफ में समझ लेंगे, मुझे लगता है कि वो लंबे समय तक आपके साथ रहेगी, क्योंकि वो उस किताब से निकल के आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाएगी और आप अपने मैनर में उसे दुनिया के सामने हर मौके पर रख सकते हैं। तो सीधा सा सवाल पैदा होता है कि एक शब्द हम अक्सर सुनते रहते हैं, द लैटिन अमेरिका। तो पढ़ते हुए किसी चीज़ को हमेशा अपने साथ लेकर चलने के लिए हमें कुछ कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स साथ रखने चाहिए। वो कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स को कभी ना छोड़िए, उन्हें अपने साथ लेके चलिए। और फिर एक कैपेबिलिटी बिल्डअप करनी है आपको, उन कीवर्ड्स के अराउंड सही, फैक्चुअली कंसेप्चुअली सही कहानी बुननी आनी चाहिए आपको। कीवर्ड को अगर आप एक सेंट्रल पिलर बना के कहानी बुननी जानते हैं और एक कहानी को दूसरी कहानी से जोड़ना जानते हैं, फिर सीक्वेंस, फ्लो और रिक्वायर्ड कंटेंट की कला आप सीख जाएंगे समय के साथ साथ। ओके, तो अब लैटिन अमेरिका क्षेत्र से कहा जाता है। वैसे मोहित, लैटिन अमेरिका में कौन कौन आता है, सीधे पूछना हो, समझना हो तो इस मैप के साथ समझ लेना। आपको बस लैटिन अमेरिका के अंदर इतना समझना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसके नीचे से शुरू हो के, यानी कि मैक्सिको से शुरू हो के नीचे तक चले जाओ साउथ अमेरिका तक, यानी कि लैटिन अमेरिका के अंदर मिडल अमेरिका भी आता है और साउथ अमेरिका भी आता है। तो इस तरह से अक्सर हम कई बार कन्फ्यूज़ होते हैं कि लैटिन अमेरिका शायद सिर्फ कोई एक ही कॉन्टिनेंट या कोई एक ही कंट्री है या कोई सिर्फ एक ही रीजन है। मैं आपको मैप पे दिखा देता हूँ, आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये लैटिन अमेरिका का हिस्सा है। इधर मैं मेरी तरफ देखा करो, तो वो कर ही रहे हैं ना कैमरे को, फिर उधर देखते रहते हो। क्या नज़र आया मेरे बच्चे यहाँ, क्या नज़र आया? नॉर्थ अमेरिका। बेटा 100 रुपया होता तो वार देता आपसे मैं। चलो आओ इधर। तो ये मैक्सिको है, ठीक है, और ये सेंट्रल अमेरिकन रिपब्लिक्स हैं ये सारी। इतना HD मैप तो मैंने खुद ने नहीं देखा पहले जितना ये है। और उसके बाद देखो ये सारी वो ग्रेटर एंटीलेज और लेसर एंटीलेज है ना, और उसके बाद ये सारी की सारी साउथ अमेरिकन। देखो ये चिले है, ये पेरू है, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पाराग्वे, ब्राज़ील, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना। तो ये एक्चुअली दिस रीजन इज दिस वन, दिस मैप इज़ गुड। तो दिस रीजन इज़ साउथ लैटिन अमेरिका। ओके, इसके अलावा और भी इमेजेस हैं, जैसे कि ये इमेज। इससे भी हमें क्लियर हो गया कि USA के नीचे से शुरू हो के ये जो यहाँ जा रहा है, दिस इज़ द लैटिन अमेरिका। ओके, डन है भाई, क्लियर हो रहा है लैटिन अमेरिका? ओके, सो दिस इज़ द लैटिन अमेरिका, ऐसा कहा जाता है। पर ये वर्ड कितना का सही है और कितना मिजनोमर है, आ जाओ, ये हमें अभी समझना है। देखो एक्चुअली में दिस इज़ अ मिजनोमर। मिजनोमर मैंने एक गलत पढ़ा हुआ शब्द, पर हम उसी से पुकारते हैं किसी चीज़ को, तो ये मिजनोमर है। क्यों? लैटिन भाषा यहाँ पर किसी भी फॉर्म में लिंगुआ फ्रेंका नहीं है, इट इज़ नॉट द लिंगुआ फ्रेंका एट ऑल। तो फिर हम इसे लैटिन अमेरिका क्यों कह रहे हैं? आज आप वहाँ जाएंगे तो लैटिन लैंग्वेज इज़ नॉट द लिंगुआ फ्रेंका। अगर आप यहाँ पंजाब में देखते हैं तो द लिंगुआ फ्रेंका इज़ मेजॉरली पंजाबी, है ना। उत्तर भारत की लिंगुआ फ्रेंका इज़ हिंदी, इट इज़ मेजॉरली हिंदी। और पूरे देश भर में अगर लिंगुआ फ्रेंका देख लें आप, तो वैसे तो उत्तर भारत की जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए हिंदी बनती है, पर अदरवाइज़ इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज बन जाती है बींग लिंगुआ फ्रेंका। विश्व भर में लिंगुआ फ्रेंका का काम करती है इंग्लिश। लिंगुआ फ्रेंका लिंगुआ शब्द लैंग्वेज से आता है और फ्रेंका का मतलब होता है जनता, जनसंख्या, लोग जिनके बीच में बोली जाती है, आंकड़ा। तो लिंगुआ फ्रेंका शब्द को सीधा ऐसा समझिए आप कि आपकी अपनी खुद की एक लैंग्वेज है और दूसरे आदमी की भी अपनी एक लैंग्वेज है। आप दोनों किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने में कैपेबल हैं, आपकी अपनी है वो अलग बात, उसकी अपनी है वो अलग बात। जैसे आप बंगाल में गए
आपकी पंजाबी है, उसकी बांग्ला है, आप दोनों फिर भी कम्युनिकेट कर रहे हो, वो एक जो लैंग्वेज है दैट इज़ लिंगुआ फ्रेंका, वो जो लैंग्वेज है दैट इज़ लिंगुआ फ्रेंका। ओके, जैसे आपकी, आप यहाँ पंजाब में रहते हो, आपकी पंजाबी है, आप जब गए आप कनाडा गए, वहाँ क्यूबेक गए, उनकी फ्रेंच है, आपकी पंजाबी थी, उनकी फ्रेंच है, बट बात कर रहे हो इंग्लिश में, एट दैट पॉइंट इंग्लिश इज़ अ लिंगुआ फ्रेंका। ओके, सो दैट्स वाई द लिंगुआ फ्रेंका लैंग्वेज, लैटिन इज़ नॉट द लिंगुआ फ्रेंका इन द इन दिस रीजन, स्टिल वी आर कॉलिंग इट लैटिन अमेरिका, इसका फिर कोई रीज़न है। वैसे ये शब्द अब जायज़ नहीं, अब बेटर शब्द हैं इसके कंपेरेटिवली। रीज़न ये है कि भाई यहाँ पर कंट्रीज़ कौन सी आई, अगर मैं बात मैक्सिको की करता हूँ तो आपको हमेशा ये जानना है कि जो देश हैं उनकी पहचान भाषाओं ही से नहीं है, अदरवाइज़ मैक्सिको की भाषा मैक्सिकन होती पर ऐसा तो नहीं है, ब्राज़ील की भाषा ब्राज़ीलियन होती पर ऐसा तो नहीं है, जबकि इसके उलट मैक्सिको की भाषा स्पेनिश है। सो द लैंग्वेज ऑफ मैक्सिको इज़ स्पेनिश, ब्राज़ील की लैंग्वेज इज़ पोर्तुगीज़, हमें लॉजिक से पता है क्योंकि यहाँ पर पहुँचे थे पेड्रो एल्वारेस कैब्रल। ओके, हमने पढ़ा इनके बारे में, तो दैट इज़ द पोर्तुगीज़। तो ये स्पेनिश, ये पोर्तुगीज़, ये इटालियन, ये जो फ्रेंच, ये दे ऑल वर ये रोमांसिक लैंग्वेजेस का हिस्सा हैं, ये रोमांसिक लैंग्वेजेस का हिस्सा हैं। रोमांसिक अर्थात रोमन, रोमन अर्थात इटली की कैपिटल रोम, रोम से उपजा वो कल्चर। और जो रोमांसिक लैंग्वेजेस हैं, यानी कि द लैंग्वेजेस ऑफ मेजॉरली साउदर्न यूरोपियन कंट्रीज, वो रोमांसिक लैंग्वेजेस का जो बेस है वो लैटिन लैंग्वेज है। द बेस ऑफ द रोमांसिक लैंग्वेज इज द लैटिन। आई बात समझ में? दैट्स ऑल क्लियर। जैसे आज सपोज कीजिए आप पंजाबी बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं, इसको ऐसा समझ लीजिए कि जो पंजाबी है या हिंदी है, आप इसको देखेंगे तो ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली से आती है, तो इसकी लैंग्वेज फैमिली इंडो यूरोपियन, उसमें से फिर निकलता है ग्रुप दैट इज इंडो ईरानियन लैंग्वेज ग्रुप, उसमें से फिर निकल रहा है इंडो आर्यन लैंग्वेज ग्रुप, और उसमें है हिंदी, तो हिंदी ऐसे आई ना। तो आप कह सकते ना हिंदी इंडो आर्यन लैंग्वेज है, आप कह सकते ना हिंदी इंडो ईरानियन है, आप कह सकते ना हिंदी इंडो यूरोपियन है। तो बेसिकली पंजाबी, हिंदी, ये गुजराती, मराठी, दे ऑल आर इंडो यूरोपियन, सिंपल। बट तमिलियन, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, वो ये नहीं है, दे आर नॉट इंडो आर्यन, दे आर द्रविडियन, वो द्रविडियन लैंग्वेजेस हैं। तो लैंग्वेजेसों के भी अपने परिवार होते हैं बच्चे, जैसे आपके अपने परिवार होते हैं ना, ऐसे भाषाओं के भी परिवार होते हैं। तो इसी तरह से जो साउदर्न यूरोप की भाषाएं हैं, चाहे इटली है, चाहे स्पेन है, स्पेनिश, चाहे पोर्तुगीज़ है, ये सब एक तरह से रोमांसिक लैंग्वेजेस हैं, द रोमन कल्चर लैंग्वेजेस। और वो जो रोमांसिक लैंग्वेज है वो अपने आप में जो उसकी एंसेस्टर है, जिस पर वो बेस्ड है, वो थी लैटिन। तो इसलिए लैटिन भाषा से प्रभावित देशों के लोग मिडिल अमेरिका और साउथ अमेरिका में आकर के शासन करने लगे, और यहाँ पर उनकी भाषाएं प्रचलित हो गईं, पॉपुलर हो गईं, इस्टेब्लिश हो गईं, तो इसलिए इनको लैटिन कल्चर से प्रभावित देश माना गया, इसलिए इनका नाम लैटिन कंट्रीज टल गया, द लैटिन कंट्रीज। पर लैटिन असली में बोली नहीं जाती यहाँ पर, बोली जा रही है स्पेनिश, बोली जा रही है पोर्तुगीज, नॉट द लैटिन। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। तो फिर अब टेक्निकल नेम क्या बनता है? तो टेक्निकल नेम बनता है कि आप इसे मिडल अमेरिका ही कॉल करें, इसे मिडल अमेरिका कॉल करें। मिडल अमेरिका हमने अभी बताया, जिसमें वो सभी आइलैंड्स, ग्रेटर एंड लेसर एंटिलेस और सेंट्रल अमेरिकन रिपब्लिक्स और मैक्सिको, और इनके नीचे जो है उसे आप साउथ अमेरिका कॉल करें।
तो द बेटरल वर्ड इज़ द साउथ अमेरिका एंड द मिडल अमेरिका. लैटिन अमेरिका इज़ नॉट द बेटर वर्ड, ओके, बट स्टिल लैटिन अमेरिका एक शब्द प्रचलित है. उसका मैंने कारण बता दिया कि जिन भाषाओं का आज प्रभाव है इन देशों पे, जैसे मैक्सिको में स्पेनिश का और ब्राज़ील पे पुर्तगीज़ का, ये भाषाएं बोली जा रही हैं यहाँ पर. मेजॉरली जो मिडल अमेरिकन कंट्रीज़ हैं उनमें स्पेनिश डोमिनेंट है, और जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं उनमें पुर्तगीज़ डोमिनेंट है. तो एक्चुअली में ये दोनों भाषाएं अपने आप में रोमांसिक हैं, और रोमांसिक भाषाओं का आधार लैटिन रही है, द लैटिन. इसलिए फिर ये भाषाएं, क्योंकि लैटिन से ही आती हैं एक तरह से, जैसे हिंदी एक तरह से इंडो ईरानियन या इंडो यूरोपियन है, तो फिर हम इन मुल्कों को भी लैटिन मुल्कों में गिन लेते हैं. इतनी बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत तो नहीं मेरे बच्चों को? हैं, अपने मन का कुछ भी नहीं पढ़ाता मैं, सब किताबों से पढ़ पुढ़ के देख दूख के पढ़ा देता हूँ, ओके. कभी मत सोचना ये बात सर ने अपने दिल से कह दी, ना ना, मेरे दिल की कोई बात नहीं है. उसका कारण, जो भी पढ़ाता हूँ बाद में जिस पीडीएफ या जिस बुक से पढ़ाता हूँ, तुम घर जाके पढ़ते भी तो हो, ऐसा मैं कुछ भाई अनोखा नहीं पढ़ाता. कई बार पढ़ते पढ़ते किसी बच्चे को ये फीलिंग आ भी सकती है कि जब ये बंदा बुक से ही पढ़ा रहा है तो हम बुक खुद ही पढ़ लें. भाई मैं तो कहता हूँ पढ़ लेना, पढ़ तो ले एक बार, पढ़, ओके. बड़ी बात पढ़ने में है, बड़ी बात करने में है. बात तो इतनी, वही मैदान होता है, वही टाइमर होता है, वही प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक्स होती हैं, वही सिपर होते हैं. लेकिन अगर यही चीज़ें किसी को सैन बोल्ट बनाती हों तो सारे बन जाएंगे. भाई बात तो करने में है ना, हम कराते हैं, ओके. कर लेंगे वो देखी जाएगी, करो ये बड़ी बात है. आओ वही बेसिक चीज़ों से ही करें, ठीक है. तो कुछ भी ऐसा नहीं बताता जो मैं अपना नॉलेज लेके आया हूँ अंतरिक्ष से, सब यहीं से पढ़ा है बुनियादी से, कि नेट नूट से सर्च कर लेते हैं सब, जैसे नेट से सर्च कर ले लेते हैं. बस इतना है कि एक्सपीरियंस है और थोड़ा पढ़ने में मेहनत करते हैं, थोड़ी सी जानकारी है, बात को जल्दी समझ लेते हैं और रिलेट कर लेते हैं. ये है मेरा स्किल, उसकी मैं फीस लेता हूँ तुमसे, हैं, ओके. चलो आओ, काश काश तुम भी सब ऐसे हो जाओ और हम अपना एक बड़ा सा इंस्टीट्यूट खोल लें पैन इंडिया फोकस की, मल्टीपल ब्रांचेस, मैं ये वाली हैंडल करूँ, तुम पठानकोट, वो लुधियाना, एक दिल्ली. काश ये किसी दिन हो जाए, कोई ऐसा आए जो कहे कि ये आल है, करता ही काम, ओके. नॉट पॉसिबल, डिफिकल्ट है वो. तो ये लैंग्वेज वाली कहानी है. तो हम लैटिन अमेरिका कह के पुकारते हैं, जो कि एक तरह का मिजनोमर है. जीवन और कैसे बदल रहा है यूरोपियंस के आने से, अगला आयाम समझते हैं, नेक्स्ट आस्पेक्ट. देखिए, यूरोपियन जब यहाँ नहीं आए थे तो ये लोग क्या खाते होंगे, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते होंगे. नेचुरली जैसे कि पोटैटो, भाई बहुत खाते थे ये लोग, इनकी खुराक थी पोटैटो, ओके. कॉर्न, स्क्वैश, जैसे कि चिली पेपर, टोबैको, ये सब तो भाई इनका था. अपना चिल मारते थे, कॉर्न खाते थे, टोबैको, चिली पेपर, स्क्वैश एंड पोटैटो, ये सब चीज़ें खा के पी के अपनी ज़िंदगी में एंजॉय करते थे. तो ये यहाँ की फसलें जो यहाँ आने पर इनसे यूरोपियंस को मिली, यहाँ आए यूरोपियंस, इनसे फसलें मिली, और फिर वही यूरोपियन देखो आपके मुल्क में भी आए, और आज बिना आलू के कुछ खाते हो. जब यूरोपियन भारत नहीं आए थे तो अपने आप से पूछो हरप्रीत, कि आपके पूर्वज तो तब भी रहे होंगे, मेरे भी रहे होंगे, यूरोपियन आए ही कब हैं ये, 1500 के बाद. तो उस समय में हमारे जो एंसेस्टर थे वो अपने गेस्ट को किस चीज़ से बना समोसा खिलाते होंगे, ये सवाल बनता है ना भाई. समोसा अगर तब रहा होगा तो उसमें डालते क्या होंगे, आलू तो कहीं मिडल अमेरिका या साउथ अमेरिका में था, मतलब लैटिन अमेरिका में था, और यूरोपीय वहाँ जाएंगे तो आलू लेंगे, और वही यूरोपीय जब यहाँ आएंगे तो आलू लाएंगे, आलू के बिना ही खाते होंगे समोसा. और आज हमारे घर में दावत पूरी नहीं होती समोसे के बिना, लाइन ही होती है यार, चाहे समोसा भी नहीं पूछा बदतमीज़ ने. हमारी संस्कृति का हिस्सा हो गया है. जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरा रहूँगा और मेरी शालू, ऐसी चीज़ें हैं.
ये किन किन्हों ने ये प्रभाव किया? यूरोपियंस ने, हमारी संस्कृति यूरोपियंस ने इस तरह से बदल दी। ये जो हरी मिर्चियाँ खाती हो, लाल मिर्चियाँ खाती हो, ये थी भारत में, खा रहे थे पहले हम, काली मिर्ची खाते थे, ब्लैक पेपर, ये यूरोपियंस आए और अपने साथ लेके आए। उसके बाद फिर हमने छोड़ा नहीं, हर चीज़ में डाला इसको, इतना डाला ज़िंदगी हिल चुकी है। ओके, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो यूरोपियंस पहले खुद इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर उनकी भी स्टेपल क्रॉप हो गई, जैसे कि पोटैटो यूरोप की एक तरह की स्टेपल क्रॉप है। उनकी कोई भी भोजन जो है वो आलू के इर्द गिर्द ही चलते हैं, हनी चिली पोटैटो शटैटो, और उसके बाद हर तरह के बर्गर वर्गर हर चीज़ में, फ्रेंच फ्राइज, ये उनका कल्चर है। तो पोटैटो उनका स्टेपल क्रॉप है, जैसे हम इंडिया में रहने वाले और मेजॉरली एशियाई लोगों का स्टेपल क्रॉप राइस है, उनका पोटैटो है। ओके, सो द स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडियन इंडिया द राइस। ओके, क्योंकि यहाँ ठंडे देश, ठंडे क्षेत्र बड़े कम हैं, बस वहीं पर वीट है, बाकी तमाम राज्यों में चली जाओ, इवन कश्मीर जाओ, हर समय जो द, जो टेबल है, दस्तरखान सजा हुआ है, उसमें चावल ही दिए जा रहे हैं। चाहे कश्मीर फाइल मूवी में देख लेना, उसमें देख लेना, जब वो उन्हें मिलने जाता है शिकारे पे बैठ के, तो एट द एंड वो जो टेबल पे सर्व कर रहा होता है वो चावल ही होते हैं, अलग अलग तरह के राइस। ओके, कश्मीरी पुलाव, तो पहाड़ी खाने में भी चावल बड़ी ज़रूरी चीज़ है। हमारा स्टेपल राइस, उनका स्टेपल पोटैटो, कहाँ से मिला उन्हें? यहाँ से। लेकिन इन लोगों को भी फिर बहुत कुछ मिलेगा यूरोपियंस के आने से। फिर यूरोपियन जब यहाँ पर आएंगे तो अपने साथ क्या लेकर के आएंगे? राइस लेके आएंगे, व्हीट लेके आएंगे, बारले लेके आएंगे, शुगर केन लेकर के आएंगे, कॉफ़ी लेकर के आएंगे, ये सब चीज़ें अपने साथ यूरोपियन लेके आएंगे। इन लोगों को दिखेगा अच्छा शुगर केन, अच्छा कॉफ़ी, काफ़ी। कॉफ़ी का ओरिजिन प्लेस मेरी बच्ची अफ्रीका है। ओके, अफ्रीका है, याद रखना। ओके, ऐसे ही अचानक एक्सीडेंटली किसी दिन कॉफ़ी किसी को समझ आ गई थी भेड़ें चराते हुए, वो कहानी में आने वाले लेक्चरों में बताऊंगा, अभी नहीं। तो इन फसलों को ये यूरोपियन अपने साथ लेकर के आए, तो फसलों का आदान प्रदान हो गया, फसलों का आदान प्रदान हो गया, ये यूरोपियंस ने ले ली और ये मिडल अमेरिकन्स के पास चली गई। इस तरह से आज का वहाँ जीवन इन फसलों से प्रभावित है, उसका कारण यूरोपीय प्रभाव है, यूरोपीय प्रभाव है। ओके, जब वो अपना जीवन बिता रहे थे तो उनके जीवन में अधिकतर जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन था किसी क्रॉप का, वो कोशिश रहती थी कि सबसिस्टेंस रहेगा। हाँ, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि उनके शहर थे, बहुत अच्छे नगर बनाए गए थे, और नगरीयकरण के पीछे जब भी अपन सिटी की बात करते हैं तो सिटी में पॉपुलेशन अधिकतर नॉन एग्रेरियन होती है, तो ऐसा होता होगा कि एग्रीकल्चर सरप्लस भी रहा होगा, लेकिन उस सरप्लस एग्रीकल्चर का जो ट्रेड है वो इस रीजन में ही रहा होगा। तभी तो ये लोग एक ऐसे दुनिया के रूप में थे जो यूरोप और बाकियों से छुपे हुए थे, अपने ही बीच ट्रेड होता होगा, बट ट्रेड रहा होगा क्योंकि ट्रेडिंग कॉलोनीज, ट्रेडिंग सेंटर्स के प्रमाण मिलते हैं। ये सरप्लस एग्रीकल्चर का नतीजा होगा, क्योंकि जब आप खाने के बाद बचा भी लेते हैं उसे आप बेचने जाते हैं, यही सरप्लस है, और ऐसे में नगरों का निर्माण होता है। क्योंकि जब एग्रीकल्चर सरप्लस होने लग जाता है तो पहले जो 100 मेंबर खेतों में काम कर रहे हैं, हर पर्सन अपने लिए उगा रहा है और वो उसे खा रहा है, या सबसिस्टेंस है। लेकिन अगर आप 100 मेंबर काम कर रहे हैं और 100 मेंबर्स की ज़रूरत से दुगना अनाज पैदा हो गया है, दुगना अनाज पैदा हो गया है, तो अब ज़रूरी नहीं है कि सारे 100 मेंबर खेतों में ही काम करें, 50 मेंबर्स भी काम करेंगे तो 100 मेंबर्स का अनाज पैदा हो जाएगा। तो वो बचे हुए 50 मेंबर फिर क्या करें? वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में आते हैं, वो स्किल डेवलपमेंट होता है, जैसे उन्हें हम आर्टिजनल ग्रुप्स के रूप में देखना शुरू करते हैं, द आर्टिजन्स, जैसे लोहार, सुनार, कुम्हार, तरखान, ये सब, कारपेंटर, आयरन वर्कर, ब्लैकस्मिथ जिसे अपन कहते हैं, है ना, लेदर वर्कर, टेनरीज आ जाती हैं, ये सब कुछ, कारपेंटर, गोल्डस्मिथ, ये वर्किंग क्लास तब पैदा होती है इस तरह की, ये आर्टिजनल बिजनेस ग्रुप, जब एग्रीकल्चर में एक अच्छी खासी सरप्लस क्रांति आ जाए।
तभी लोग एग्रीकल्चर से बाहर निकल के नॉन एग्रीकल्चर गतिविधि करेंगे, क्योंकि टेबल, बर्तन, चेन या बालियां तब बनेंगी जब पेट भरने के लिए भोजन होगा। जब इस आदमी को दिखता होगा कि अभी तो अपने भोजन का इंतजाम ही खुद करना है, तो ये फसल उगाने की तरफ जाएगा, कुछ बनाने की तरफ नहीं। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं इस बात को लेके आश्वस्त हूँ, सिक्योर हूँ कि मैं जो पैसे दुकान पे जाके दूंगा मुझे आटा मिल जाएगा। लेकिन अगर अभी ऐसी कोई परिस्थिति घटित हो जाए कि मुझे देखे कि पैसे देने से या कुछ करने से भी राशन नहीं मिलता है, अपना राशन खुद उगाना है, मैं ये सब बंद बंद कर करके मैं उगाने में लग जाऊंगा। यही होता है, अब मैं अपने परिवार के लिए भोजन ढूंढने निकल पड़ूंगा, जिस पेड़ से कुछ भी कंद मूल मिलेंगे मैं लेकर के आ जाऊंगा, नदियों से जल ले आऊंगा। ओके, तो जीवन वापस से पीछे की ओर जाने लगता है। दैट इज ऑल। तो ऐसा लगता है कभी रहा होगा, उनका भी सरप्लस एग्रीकल्चर रहा होगा, लेकिन उस एग्रीकल्चर से जो ट्रेड जन्मा, उस ट्रेड के संबंध ऐसा नहीं लगते कि दूसरे कॉन्टिनेंट के लोगों के साथ भी थे, वो अपने ही भीतर।